Imagino por enemigo. Gran permiso. Cerso de pecho. Me gira. मेरे रूम में स्पीकर काम कर रहा है, मेरे पास तो तुम बहुत नीचे डाल नहीं जब बात करे तुम्हारे नीचे रूम नीचे बदमाश है तुम्हारा। हाँ इसमें तो पहले तेल डालेगा, गर्म हो जाएगा उसके बाद। जी हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा करके रखे हुए हैं, प्याज है, टमाटर, आलू है, मिर्चा यहाँ पे है। हम बनाने वाले हैं मसाला खिचड़ी, वो वहाँ पे प्रेप कर रहे हैं खिचड़ी के लिए। सरसों का तेल डालते हैं अच्छे से। मैं सरसों का तेल प्रेफर करता हूँ, सरसों के तेल में खाना अच्छा बनता है। थोड़ा डाल तेल गर्म होने का थोड़ा इंतजार करेंगे, तेल गर्म हो गया, थोड़ा जीरा, लाल मिर्च, अच्छा ना लगे। करी पत्ता डाल दूँ, करी पत्ता से फ्लेवर अच्छा आता है। करी पत्ता हो रहा है अभी, देखेंगे मिर्ची जो है ना वो फूल जाएगी और एक तरफ थोड़ी काली। उसके बाद हम कटे हुए प्याज छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज, आलू को हम सबसे लास्ट में डालेंगे। उसी के साथ चावल डाल के पानी डाल देंगे तो उसी में वो पक जाता है अच्छे से। तो हम इंतज़ार करेंगे कि प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए। नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी गल जाए, प्याज जल्दी गल जाए। हाँ स्वाद अनुसार भी कह सकते हैं। मिर्चा डाल दो, मसाला होने का इंतजार करेंगे। टमाटर डाल देते हैं, थोड़े प्याज ब्राउन हो गए हैं। टमाटर डालते ही हम इसमें सारे मसाले डालना चालू करेंगे। अगर पानी पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये तीखी लाल मिर्च है, इसमें से भी थोड़ा सा डाल दें। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग लाने के लिए। हल्दी तो आप लोग को पता ही है, हल्दी डालने में क्या। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इन सब मसालों को थोड़ा अच्छे से चला लेना। जब मसाले अच्छे से हो जाएं, हम इसमें आलू डाल के चावल डाल के पानी डाल के ढक देंगे। थोड़ा सा जल्दी होने के लिए उसमें पानी डाल देंगे ताकि जल्दी गल जाए। अभी रात हो रही है, हमारे पास टाइम नहीं, भूख लग रहा है। आलू डाल देते हैं, सब मसाले तो गिर गए। फाइनली
देख सकते हैं रंग आने लगा है थोड़ा, इसमें स्वाद भी उसी हिसाब से आएगा। अच्छा खासा पानी डाल लेंगे इसमें। चेक कर लेंगे पानी किस हिसाब से पड़ा है। ढक लेंगे और एक एक या दो सीटी का इंतजार करेंगे। हम इंडक्शन पे पढ़ाते हैं क्या करें। इसकी पहली सीटी, एक सीटी मारना है, हम उसको ऐसे रख देंगे और ब्यूटीफुल देख लेंगे कैसा अंदर से बहुत बढ़िया। जब चावल पक गए बेहतरीन और अगर होता मैं जीरे वाले बूंदी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा गार्लिक।